और बड़ी खबर इस वक्त आपको दादे पंचकुला से, सेक्टर 5 में गौ सेवा सम्मेलन को लेकर ये खबर है। गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ, सीएम सैनी ने पहली किश्त जारी की है। गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई है। अलग अलग स्कीमों के तहत अनुदान राशि को मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया। सीएम ने 51 गौशालाओं को अनुदान राशि वितरित की है, तो गौशालाओं के लिए ये राशि वितरित की गई है। पंचकुला से खबर है, सेक्टर 5 में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी ने पहली किश्त इसके लिए जारी की। गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई है। अलग अलग स्कीमों के तहत अनुदान राशि को जारी किया गया है। सीएम ने 51 गौशालाओं को अनुदान राशि वितरित की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रही है। पंचकुला से खबर है, सेक्टर 5 में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्यावन गौशालाओं को अनुदान राशि वितरित की है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंचकुला से खबर, सेक्टर 5 में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी ने पहली किश्त इसके लिए जारी की है। सेक्टर 5 में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस आयोजन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली किश्त जारी की। गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने जारी की है। अलग अलग स्कीमों के तहत अनुदान राशि को जारी किया गया है। तो सीएम ने 51 गौशालाओं को अनुदान राशि वितरित की है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। सेक्टर 5 में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ पंचकुला में, जहां सीएम सैनी ने शिरकत की और पहली किश्त जारी की। गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने जारी की है। अलग अलग स्कीमों के तहत अनुदान राशि को जारी किया गया है। सीएम ने 51 गौशालाओं को अनुदान राशि वितरित की है। सेक्टर 5 में गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने पहली किश्त को जारी किया। गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई है। अलग अलग स्कीमों के तहत अनुदान राशि को जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी जानकारी है।